तो दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के ट्रेलर को देखकर बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं सिवाय अक्षय कुमार के फैंस के। ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि राम सेतु का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा, लेकिन ये ट्रेलर कम टीजर ज्यादा लग रहा था। सोशल मीडिया में लोग अक्षय कुमार को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि साल में एक फिल्म बनाओ लेकिन बढ़िया बनाओ। इस फिल्म में VFX लोगों को अच्छा नहीं लगा। अगर हम VFX की बात ना भी करें तो अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार इस फिल्म में अक्षय कुमार की तरह ही लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अक्षय कुमार किसी किरदार को निभा रहे हैं। जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार की एक्टिंग की बहुत ज्यादा आलोचना किया गया था, क्योंकि अक्षय कुमार की जो एक्टिंग थी वो वैसा था ही नहीं जैसा होना चाहिए। और अब लोग सोशल मीडिया में अक्षय कुमार के बारे में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार के ऊपर जो केस किया था उन्होंने ठीक ही किया था। और ये सब तो चल ही रहा है, और साथ में लोगों के गुस्से का कारण शायद ये भी है। कुछ दिन पहले प्रभास की आदिपुरुष का टीजर आया था और उसको देखकर लोगों की उम्मीदें और भावनाएं आहत हुई थी, क्योंकि भगवान श्री राम जी के नाम पर पहले से ही बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो चुका है और लोग नहीं चाहते कि इस तरीके की फिल्में बने और सनातन धर्म का अपमान हो। खैर, पिक्चर देखे बिना जज करना भी सही नहीं है। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।